हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल यारा में। दोस्तों मेरा नाम अभिषेक और आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि SMTP सर्वर का यूज़ करके हम लोग एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो वो कोडुलर एक बहुत अच्छा ड्रैगन ड्रॉप प्लेटफॉर्म है, तो उसमें हम लोग यूज़ करके ये नॉर्मल सिंपल वे में आप लोगों को एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करना सिखा देता है। तो सो गाइस चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। तो इससे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने एक इसका पार्ट 1 वीडियो बनाया है, जिसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। और उसको देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा सिंपल में कि SMTP सर्वर होता क्या है और उसका यूज हम लोग क्यों करेंगे। इस सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया है वो पार्ट 1 वीडियो में। ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन को कंप्लीट डेवलप करेंगे और उसको यूज करके बताएंगे कि कैसे यूज करना है। ओके, तो एक छोटा सा हम एग्जाम्पल दे देते हैं, अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐसा है कि जैसे SMTP सर्वर का मतलब ये होता है कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो मतलब कि इसका है कि ये हमारा जो मेल होता है, ईमेल आईडी होती है, जैसे हमारे 10 इंप्लॉइज हैं मतलब कि मेरी कंपनी में, तो 10 के 10 इंप्लॉइज के अंदर मुझे ईमेल को आईडी को लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के बाद वो 10 के 10 ईमेल मतलब कि जो हमारे इंप्लॉइज हैं वो ईमेल को शेयर कर सकें। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि मतलब SMTP सर्वर का यूज करके एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम लोग उन सभी के फोन में उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद वो क्या करेंगे कि वो सभी के पास मेल को शेयर कर सकते हैं। लाइक टाइटल डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे और सब्जेक्ट डालेंगे और मेल को सेंड करेंगे तो वो मेल सेंड हो जाएगा। तो और वो एक चीज और अच्छी बात ये है कि इसमें सबसे बढ़िया कि वो जो आपका ईमेल आईडी रहेगा वो एक ही ईमेल आईडी से वो मेल शेयर होगा। तो हम लोग इसलिए SMTP सर्वर का यूज करेंगे। तो चलिए मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चल के आप लोगों को सारा चीजें बताता हूँ, एंड्रॉयड ऐप डेवलप करना बताता हूँ तो और मतलब कि सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग टेक्निकल याराना चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चल के आप लोगों को सारी चीजें बताता हूँ। हे दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया हूँ और चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ईमेल सेंडर के नाम से और यहाँ पे मेरा जो एक एक्सटेंशन मैं यूज़ करने वाला हूँ ईमेल सेंडर का, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक एक्सटेंशन है, ये ईमेल सेंडर। इस एक्सटेंशन का यूज़ करके मैं इस एप्लीकेशन को डेवलप करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली एक्सटेंशन पे मैं यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करके मैं इसको इम्पोर्ट करता हूँ और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके मैं उसको इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप डेस्टिनेशन पे मैंने रखा है, मैं डेस्कटॉप पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे com.ei ये हमारा एक्सटेंशन है और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। एंड गाइस, इंपोर्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे जस्ट 1 मिनट फॉर सम टाइम्स। सो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा कुछ, एक्चुअली यहाँ पे इंटरनेट इज वेरी स्लो। सो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा ईमेल सेंडर हमारा ये जो एक्सटेंशन है ये आ गया। मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पे इसके लिए हमको चाहिए क्या ईमेल सेंड करने के लिए, यहाँ पे मैं रेस्टोरेंट ओके। सो यहाँ पे इसके लिए हमको क्या चाहिए ईमेल सेंड करने के लिए, जीमेल ओके। यहाँ पे बटन क्लिक पे हमको क्या सेंड करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे अटैच करवानी है। तो मैं एक छोटा सा UI बना लेता हूँ फटाक से, मैं टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ यहाँ पे जिसमें हमको ईमेल आईडी डालना होगा एंड इसको टॉप पे कर देता हूँ, वेट सेंटर है, इसको मैं टॉप कर देता हूँ। एंड गाइस, टॉप करने के बाद ये हमारा हो गया और एक टेक्स्ट बॉक्स और लूँगा जिसमें इसमें हमको ईमेल आईडी लिखना है, ऊपर वाली ईमेल आईडी के लिए है और नीचे वाली जो हमारी है इसमें हम क्या बोलते हैं ये लिखेंगे, लाइक यहाँ पे हम अपना टाइटल डालेंगे और नीचे वाले में लिखेंगे और एक ले लेता हूँ, टाइटल हो गया और हमारा सब्जेक्ट हो गया और दूसरी चीज़ें हो गई हमारा डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमारी मांगी जा रही है, यहाँ पे ईमेल, योर ईमेल एंड योर पासवर्ड एंड सेंड टू सब्जेक्ट कंटेंट इज HTML एंड अटैच। सो यहाँ पे ये चीज़ें सब्जेक्ट और कॉन्टेंट मांग रहे हैं, तो सब्जेक्ट एंड कंटेंट एक ही मतलब कि मुझे डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत है, सब्जेक्ट एंड कंटेंट लिखने की जरूरत है। तो यहाँ पे हमारा ईमेल हो गया और सब्जेक्ट हो गया एंड कंटेंट हो गया,
ये तीन चीजें हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं, एक बटन ले लेते हैं जिस पे क्लिक करके हम लोग इस चीजें को कराएंगे। ये एक नॉर्मल सा यूआई है, आप लोग कुछ भी बना सकते हैं। एक यूआई बनाने में मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल, ओके हिंट मैं दे रहा हूँ ईमेल, और दूसरी चीजें यहाँ पे दे रहा हूँ मैं हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ओके मैं यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज कर रहा हूँ। और सेकंड चीज हमारी ये क्या हो गई, थर्ड चीज ये हमारा कंटेंट हो गया। ओके मैं यहाँ पे कंटेंट को टाइप करना, सो कंटेंट जो हमारा होगा, और कंटेंट हमारा जो यहाँ पे टाइप कर दिया हमने कंटेंट, और उसके बाद ये चीजें हमारे हमने करने के बाद हम लोग की सारी चीजें हमने डाल दी है। अभी यहाँ पे मुझे बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, यहाँ पे बटन क्लिक पे हमको ये सारी चीजें करवानी है। तो बटन क्लिक करने के बाद ये सारी चीजें हमको मिलेगी कहाँ से, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ गूगल, google.com ओके मैं अपना google.com ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, ओके मैं अपने इस ईमेल आईडी से लॉगिन हो जाता हूँ, और यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट, सो पे मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे आ जाना सिक्योरिटी पे। एंड सिक्योरिटी पे आने के बाद क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा, ओके ऐप पासवर्ड का, यहाँ पे ऐप पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा, ओके सो वेट, यहाँ पे ऐप पासवर्ड का इसमें ऑप्शन नहीं आया, मैं एक काम करता हूँ मैं दूसरा, अगर इसमें नहीं आएगा आप लोगों का तो आप कोई सा भी दूसरा अकाउंट चूज, यहाँ पे एक्चुअली बात यह है ना कि मैंने जो है यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल नहीं किया, अगर आप लोग टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल नहीं किए रहेंगे तो ये ऑप्शन आपका इनेबल नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पे कोई एक सा दूसरा ईमेल आईडी मैं यूज कर लेता हूँ, मैं अपने टेक्निकल यहाँ पे इसको इस ईमेल आईडी को यूज करता हूँ, यहाँ पे इसको यूज करने के बाद यहाँ पे वेट ऐप पासवर्ड कहाँ गया हमारा ऐप पासवर्ड, ओके रिसेंट सॉरी फॉर दैट जस्ट वेट ये ऐप पासवर्ड सर्च करना पासवर्ड, ओके यहाँ पे मुझे ऐप पासवर्ड मिल गया, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे इसको ओपन कर रहा हूँ, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, ऐप पासवर्ड ये हमारा, आप लोग वैसे ही सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे जनरेट करने के लिए इस टाइप से एक जनरेट करना होगा, यहाँ पे मुझे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ मेल, एंड ऐसे आप भी आपको भी सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कोई सा भी आधार कस्टम डाल देते हैं, मैं ये डाल देता हूँ ईमेल, ओके यहाँ पे इतना करने के बाद जनरेट पे क्लिक करना है, एंड जनरेट पे क्लिक करने के बाद ये हमारा जो पासवर्ड है ये हमारा पासवर्ड क्रिएट हो गया, ओके सो यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट होने के बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा, ओके और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में इसको इस पासवर्ड को डाल देना है, एंड सेम सेकंड चीज ये हो गई हमारी, और ये हमको यहाँ पे ईमेल आईडी हमको डालना होगा अपना, जो भी हमारी ईमेल आईडी रहेगी और ये चीजें मैं डिलीट कर दूंगा बाद में। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वाला है मेल किसको सेंड करना है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट को ले लेता हूँ, नॉर्मल सा एक यूआई तो आप लोग कोई सा भी बना ही सकते हैं, सेंड टू जिसको भी सेंड करना है ये ईमेल आईडी वाला रहेगा, और जो हमारा कंटेंट वाला रहेगा, ओके मैं इसको क्यों नहीं रहा यहीं से कॉपी करके, सब्जेक्ट वाला जो हमारा सेकंड है एंड कंटेंट वाला जो हमारा थर्ड है, और अटैच कोई भी फाइल नहीं करना तो आप इसको ब्लैंक कर दीजिएगा, मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ, एंड इसमें भी ब्लैंक ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इज एस टी एम एल ये तो यहाँ पर इज एस टी एम एल ट्रू एंड फॉल्स इसको करना है, तो मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, नहीं तो फॉल्स कर देता हूँ, मुझे मैंने कोई एच टी एम एल का यूज नहीं किया तो मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, ओके मैं एप्लीकेशन को चेक करता हूँ, सो वेट मैं अपने कंपेनियन के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, ओके सो यहाँ पे मैं टेस्ट पे क्लिक करता हूँ, अंदर यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करने के बाद मैं अपना इसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे ओके सो वेट यहाँ पे मैं टेस्ट पे के यहाँ पे स्कैन पे क्लिक करता हूँ, एंड देन स्कैन पे क्लिक करते ही यहाँ पे जस्ट वेट
और मैं ईमेल को दिखा भी देता हूँ, मेरा ईमेल कहाँ आने वाला है। मैं मेल बॉक्स अपना ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरा ईमेल यहीं पे आएगा और यहाँ पे ये चीज़ें आ गई। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें टाइप करता हूँ, यहाँ पे मेरी मैं टाइप कर देता हूँ, मैं मेल किस पे शेयर कर रहा हूँ, टेक्निकल याराना, टेक्निकल याराना एट द रेट जीमेल .com। ओके सो यहाँ पे इतना करने के बाद मैं सब्जेक्ट लिखूँगा टेस्ट, यहाँ पे मैं टेस्ट ये भी लिख देता हूँ, टेस्ट कंटेंट में भी टेस्ट। एंड यहाँ पे जैसे ही मैं सब बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बटन पे क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया है, मैंने मेल तो शेयर करा दिया है जो सो वेट, यहाँ पे मेल इस पर आएगा मेरे, मुझे इंतज़ार करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेल हमारा आ गया है, यहाँ पे टेस्ट एंड ये टेस्ट हमने सब्जेक्ट में टेस्ट डाला था और हमारा जो मेल है वो भी टेस्ट ही टाइप का आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट टेस्ट। तो यहाँ पे इस टाइप से हमारा मेल आया है। और अगर हम इसमें और भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट डाल देते हैं, लाइक जो भी हमारे यहाँ पे सक्सेस होने के बाद मुझे एक टोस्ट शो हो जाना चाहिए, एंड जैसे टोस्ट मतलब स्नैक बार, मैं एक स्नैक बार शो करा देता हूँ। ये क्या बोलते हैं, मैं आपको ये फाइल आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है। लॉग लॉग मैं यही शो करा दूंगा, एंड सेम चीज़ यही है, मुझे क्या करना होगा फेल्ड होने पे भी मुझे लॉग को ही शो करा देना, ठीक है, मुझे फेल्ड होने पे भी यही लॉग को शो करा देना। ओके सो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे फिर से मेल को सेंड करता हूँ, एंड मेल को सेंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, फिर से ईमेल आईडी डालनी होगी टेक्निकल याराना, एंड सब्जेक्ट मैं याराना डाल देता हूँ, नहीं तो अभी डाला था, सब्जेक्ट याराना डाल दिया, एंड उसके बाद मैं इसको टेस्ट में डाल देता हूँ। ओके सो यहाँ पे टेस्ट डालने के बाद मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे देख सकते हैं इनवैलिड आर्गुमेंट रनिंग टाइम इन्फो, सो आई थिंक इन्फो यहाँ पे मतलब कि इनवैलिड आर्गुमेंट इसलिए दे रहा था, मैंने इसमें यहाँ पे अटैचमेंट में कुछ डाला नहीं है तो इसलिए इनवैलिड डाल, लेकिन हमारा ईमेल जो है वो शेयर हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल जो हमारा याराना करके हमने ईमेल आईडी को डाला था, ये हमारा ईमेल शेयर हो गया कम्प्लीटली। तो इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं। ये हमारा कोडलर, ये हमारा SMTP सर्वर का पार्ट सेकंड था, और अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ों के बारे में, और इसी वीडियो में कोडलर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाया हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, कोडलर एंड ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, तो आप लोग एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ओके तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। SMTP सर्वर के बारे में मतलब कि आपका कोई फ्रेंड है या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, अगर CS का स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है तो ये एक प्रोजेक्ट बहुत बेटर रहेगा, अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो इसको बना सकते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को उसका आंसर जरूर दूंगा। तो चलिए बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।